फाइनली प्रिंसिपल ऑफ सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज मिस्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी हैज अश्योर्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ टीचर्स। सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने टीचरों की मांग को पूरा करने और एक निश्चित समय अंतराल के अंदर सभी टीचर्स की बकाया सैलरी देने का आश्वासन दिया है और टीचर्स की मांग को स्वीकार किया है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से ये पता चला है, तो आइए देखते हैं क्या वार्तालाप हुई। एंड योर यूनिटी इज़ योर स्ट्रेंथ एंड पावर। स्टे ट्यून्ड विद फिक्सिंग गीक। सभी शिक्षक साथियों से बड़े हर्ष के साथ ये अवगत कराना चाहते हैं कि आपकी जो सारी इच्छाएं हैं वो सारी अक्षरशा त्रिपाठी जी ने जो आपके परिवार के मुखिया हैं उन्होंने मानी। भैया से वार्ता के बाद हुई है, मुंडी भैया उसकी घोषणा करेंगे, बताएंगे क्या क्या कैसे। मैं आदेश मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा, वही मुंडी भैया साथियों आपका भी श्रेय है कि आपने प्रथम और शेष भुगतान 10 फरवरी 2021 को माह जनवरी 2021 तक का कर दिया है। इससे पढ़िए जोर से बोलो। और शेष भुगतान 10 फरवरी 2021 को माह जनवरी 2021 तक का कर दिया है। जो भी आपका पिछला शेष है वो 10 फरवरी तक कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा बिंदु है प्रत्येक माह का वेतन भुगतान 10 तारीख को ही सुनिश्चित किया जाए। जो आपका रेगुलर वेतन होगा वो आपको 10 फरवरी तक प्रत्येक तारीख 10 तारीख का ही आपको आपके खाते में। और फरवरी माह से पूर्ण वेतन का भुगतान नियमित है, ठीक है। फरवरी माह से जो शेष है वो 10 को मिल जाएगा और फरवरी का वेतन और आगे तक जो भी सेवाएं आती है वो नियमित वेतन बदले की भावना से कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। नहीं, आप बात समझते हैं, एक त्रुटि कुछ नहीं होती है। आपका अधिकार है, वो पिता तुल्य हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनका दायित्व है, वो उसको निभाएंगे। ये कोई एहसान थोड़े करेंगे, आप अपना परिवार चलाते हो तो उसमें एहसान रहेगा, आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है ये। हाँ, अब ये कर्तव्य का हम लोग भी पालन करेंगे। क्या इसको आप लिखित को जानने की अगर इच्छा हो तो बताइए, अगर आप इसको चाहते हैं तो दो साइन करो। सब लोग बाकी विश्वास रखिए, कोई हमारे भला हो ये लिखने के बाद लोगों को देते हैं करने वाला नहीं सवाल। ये मुंडिया भैया बैठे हैं, शिक्षा अधिकारी बैठा है। अरे आपके ये भी देखिए, डीआईएस के प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे हैं, डीआईएस के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, डीआईएस के अधिकारी हैं, सभी लोग आए हैं। सभी लोग सबके सामने बात हुई है, सभी से बात हो गया, आप तो नहीं जानते जो बात हो गई।
और ज्ञानराम मिश्रा जी सबका सम्मान करते हुए कोई लिखित नहीं। हाँ ठीक है, जो कहा गया बात का इतना महत्व होता है, उनका कद है जिनका नाम धर्म।